जान रहे ना। उदय शेट्टी कौन है, उसका असली रंग क्या है? कंट्रोल। अगर दिमाग घूम गया तो क्या कर सकता है? अरे घोड़ा है मेरे पास, उसके कान के नीचे ऐसे बजाऊंगा कि वो खुद अपने भांजे को घोड़े पे बिठाकर आगे नाचेगा। बराबर पहचाना, ये है अंडरवर्ल्ड डॉन उदय शेट्टी और मजनू भाई। एक टाइम था भैया जब जमाने में इन्हीं का सिक्का चलता था, लेकिन आज लोग इनके नोट भी लेकर भाग जाते हैं। काहे काहे कि कल के शाने आज शरीफ जो बन गए। हफ्ता कहाँ है? अबे तू यहाँ कैसे घुस आया? सांप पानी और बादशाह खान, इतनी सी जगह मिले वहाँ घुस जाते, समझा? तो इन तीनों में से तू कौन है? मैं सांप या पानी लगता हूँ क्या? बादशाह खान हूँ मैं। दुबई में मेरी मर्जी के बिना ऊंट नहीं चलते, और तुम लोग इतनी बड़ी होटल चला रहे हो। दिमाग में गन लोड हो गई भाई। हाँ। चलाना मत। अब हफ्ता देता है कि गिरा दूं होटल। ये चलते हुए गैस के गुब्बारे, तू होटल गिराएगा? हाँ। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। क्या कंट्रोल कंट्रोल उदय भाई, अब ये बरसाती मेंढक भी टट्टर करेंगे क्या? मजनू, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और इज्जतदार आदमी बेबस होता है। हफ्ता देना पड़ता है। बल्लू। हाँ भाई। इनका मुंह मीठा करा। जी भाई। जाइए। आइए बादशाह भाई। सुन उदय, मेरे पास दिमाग है, समझा ना इसको? पांव पड़ने का एड्रेस ये है, ये नहीं। ना बोला, ना बोला। याद नहीं, याद नहीं, मेरे को याद नहीं। आईना है ये हमारा। ये क्या बोला? नहीं तुम्हें नहीं, कुछ नहीं। आइए बादशाह भाई, मीठा इधर है। हमारे गुजरे हुए कल की बदसूरत परछाई है ये। ऐसे ही थे हम। कभी भी फोन उठा के किसी को भी दो खोका भेजो, चार खोका भेजो। अब कितना अच्छा लगता है ये शरीफों की जिंदगी जीते हुए। ठीक है भाई, जब से आप शरीफ हुए चार लोग इज्जत करते हैं आपकी, है ना भाई? अरे पहले 400 करते थे। क्यों भाई? अरे वो इज्जत नहीं, डर था, है ना भाई? अरे ऐसी इज्जत से डरी? अच्छा क्यों भाई? अरे क्या है ये, है ना भाई? क्यों भाई, एक बात नहीं कर सकते? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे?
ये लोग क्या कंफ्यूज करेंगे? आप खुद 7 साल से कंफ्यूज हो उदय भाई कि शरीफ बनकर आपने सही किया या गलत। हाँ कंफ्यूज तो है हम। हम नहीं आप। मैं क्लियर हूँ कि मैंने गलत किया। आपकी शराफत के चक्कर में मैं कायदे में हूँ, वरना अब तक मेरे खुद के 2-4 अलकायदे होते। एक टेंशन और है इनकी लाइफ में, दोनों की अब तक जरा सी भी शादी नहीं हुई। लेडीज के नाम पे घर में छिपकली तक नहीं है। भाई अगर आज कुछ काम ना हो तो हम जाएं घर। जब काम होता है तो कौन सा ठहरते हो, जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। आज करवा चौथ है, बेचारी बीवियां सुबह से भूखी प्यासी हमारा इंतजार कर रही होंगी। अरे यार इन बेचारों को क्या पता कि बीवी क्या होती है, करवा चौथ क्या होता है, घर क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं। बच्चे मेरे ले आऊंगा ना बेटा, चॉकलेट ले आऊंगा, घोड़ा, बंदूक, खंजर सब ले आऊंगा। भाई बच्चे प्यार दे रहे। भाई जाना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, जाना पड़ेगा। चलो चलो। कैसे कैसे लोगों की शादी हो गई। इस मोटे को देखो, कहीं बैठ जाए तो लगता काला सोफा रखा हुआ। और इस टकले को देखो, इसको देखने के बाद बीवी को चांद देखने की जरूरत ही नहीं है। भाई बहुत दिल करता है कि छलनी की उस तरफ से अपन को भी कोई देखे। हाँ देखना तो चाहिए, लेकिन ये बीवी भी एक अजीब तरह की पहेली है। साल भर मियाँ को परेशान करके जीने नहीं देती और करवा चौथ का व्रत रख के मरने नहीं देती। बीवी कैसे भी हो लेकिन लेकिन होनी तो चाहिए। हाँ, हाँ होनी तो चाहिए, लेकिन क्या है हमारी खूबसूरती ऊपर वाले के रास्ते की रुकावट बन रही है। वो भी कंफ्यूज होकर सोचता होगा कि इनके लिए कैसी लड़की बनाई जाए। लेकिन ऊपर वाले ने एक दिन इनकी लाइफ में ऐसा पीस भेजा जो 2 पीस पहने हुए। जिसे देखकर दोनों कुंवारे एक ही दिन, एक ही नजर और एक ही झटके में अपना दिल गुड़ता और न जाने क्या क्या दे बैठे। लेकिन ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। ये है हर हाइनेस प्रिंसेस चांदनी और ये है वो वेबसाइट जिससे राजकुमारी डाउनलोड हुई है, बोले तो राजकुमारी की मम्मी जी महारानी पद्मावती ऑफ नजफपुर। लेकिन ये उदय और मजनू के होटल में क्यों आए? तो यहाँ से निकलने के बाद इनके लड़कों को फंसाना है। यही लड़के हैं। है? शकल देखो इसकी और इसकी तो देखो ही मत। अरे इनकी होटले देख रखी है गिल साहब ने। बहुत बड़ी पार्टी है। इस बार हम महारानी और तुम राजकुमारी बन के चलेंगे। वो क्यों? अरे यार अमीरों को उधार बहुत आसानी से मिल जाता है। कभी हम उनसे कर्जा ले लेंगे, कभी वो हमें तोहफा दे देंगे। लेकिन माँ शादी को लेके अगर ये मेरे पीछे लग गए तो? अरे बेटी आज तक मैंने अपनी शादी नहीं होने दी, तेरी कैसे होने दूंगी। हाँ लेकिन ये बड़े पुराने चावल लग रहे हैं, पकेंगे? अरे बेटा पकेंगे नहीं, गल जाएंगे, गल जाएंगे। शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं कमीने। और आगे तो बेटी किसकी है? हा? 2 ही मुलाकातों में एक को रणबीर कपूर, एक को शाहिद कपूर बना देगी। हाँ baby now, what's the reason that you sound, what's the reason that you sound like my dream guy, anyways it feels like wow, sukoon milta hai jo tu, milta hai jo tu, milta hai junoon, milta hai jaldi jaldi nahi phir tu, kyun milta hai baby meet, meet tere zindagi hai akeli baby meet, meet tere duri ne chaan le li baby meet, जिंदगी है अकेली बेबी मीट मिटेला दूरी ने चालू ले ली बेबी ओ बेबी।
baby, yeah baby, ah. मामा, हमें तो यही गाड़ी चाहिए. Such a beautiful car, no? Now we can't afford it. तूने की दिल की चोरी, तू लगने लगी है सभी से जरूरी, सभी से जरूरी, सभी से जरूरी, सभी से जरूरी. सभी से जरूरी यू नो ना तेरे बिन मैं कितनी अधूरी, मोहब्बत से अच्छी नहीं है ये दूरी, नहीं है ये दूरी, सिर्फ वीकेंड पे ही मुझसे क्यों मिलता है बेबी मी मी जेलस, जिंदगी है अकेली बेबी मी मी जेलस, तू ही नहीं जान ले ली बेबी मी मी जेलस, जिंदगी है अकेली बेबी मी मी जेलस, तू ही नहीं जान ले ली बेबी, ओ बेबी baby, yeah baby, ah. मामा, हमें यहाँ कोई भी लिंग पसंद नहीं आए. अंगूठी चलेगा. मजनू जी, आपका दिल तो इस अंगूठी से भी भरा है. ये घोड़े जैसा फुदक क्यों रहा है? बात ही कुछ ऐसी हो रही भाई. क्यों, क्या हो गया? अपने फैसला कर ले कि अपन शादी कर रहे हैं. अरे मुबारक हो. मैंने भी. क्या बात कर रहे? किससे? राजकुमारी से. राजकुमारी से? हाँ. लेकिन राजकुमारी से तो अपन प्यार करते हैं. लेकिन मूर्ख अज्ञानी बालक को कन्या मुझसे प्रेम करती है. अच्छा चलो चल कर पूछ लेते हो किससे प्यार करती. चलो चलो. मैडम दोनों एटीएम आ गए टीडीएस काट के. क्या आप खुद और मजनू दोनों से प्यार करती है? बेटी हम नजफगढ़ घराने से हैं. हमारे यहाँ की लड़कियों का दिल किसी एक के लिए मुश्किल से धड़कता है और आपका दो दो के लिए. हम करे भी तो क्या करे माँ. आंखें बंद करते हैं तो उदय जी नजर आते हैं, आंखें खोलते हैं तो मजनू जी, और सबसे बड़ी बात ये कितने मजे हुए एक्टर हैं. आलू ले लो, कांदे ले लो. और दूसरे माँ कितने बड़े वाले पेंटर हैं. जिस दिन मैं ब्रश उठाता हूँ गन नहीं उठाता. फिर आप ही बताएं मम्मी, हम दोनों तो शादी कर रहे. क्या बेटी शादी करनी है सिलेंडर नहीं लेने. जितने ज्यादा आ जाए उतने अच्छे. हमारे ख्याल से आप उन्हीं को फैसला करने दीजिए. हम दोनों में से जिसकी कुंडली के ज्यादा गुण राजकुमारी से मिलेंगे नजफगढ़ का राजकुमार वही बनेगा. वाह क्या फैसला किया है पंडित जी. है गुण कम तो नहीं पड़ रहे. कम भी हुए तो मजनू जी की कुंडली से निकाल के डाल दूंगा. डालना जरूर, वरना गुण और गन की स्पेलिंग सेम होती है. और मुझ में वो गुण है कि मैं कभी भी गन चला सकता हूँ. अब उनके गुण राजकुमारी से मिलते हैं ना. अर्थित अबे गुण तो 36 ही होते ना. हाँ लेकिन जिस तरह से आपने तबूत को काटा मैं तो 40 बोलने वाला था. बहन के सगे तो 40 नहीं 36 ही मिला. वरना याद रखना गन और खंजर की स्पेलिंग भले ही सेम ना हो जान खंजर से भी जाती. अबे ओ पंडित. हाँ? कुंडली देखने को बोला है. सपना नहीं. हाँ. होता है. अरे गुस्सा है ना मेरे से. इधर काय को आया तू? यानो इजे नला थड़कला सम में अंडर साहिब के नाम मेरे ना कड़ता. थोड़ा पर्सनल बात करने का एक मिनट. अरे करो ना, वैसे भी अपन को कहा समझ में आ रहा है. ये दाढ़ी को मढ़ाई है, छिछोरे लगते हो. तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है. ये स्टाइल नहीं है, झड़ गए बाल तुम्हारी वजह से. ऐसा क्या यान रड्ड अत मुझे मध में आता डम्मुज नट्ट है ವಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ತಂಗಾಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ. ಇಂಕ ತಂಗಾಡಿ ಬಂಗಾಡಿ ಎರ್ಲ ಇಜ್ಜರ್. ಏ ಅಂಕಲ್ ಅಬ್ ಕ್ಯಾ ನಯಾ ಟೆನ್ಷನ್ ದೇ ದಿಯಾ ಭಾಯಿ ಕೋ. ಮಂಜು ತುಮಕೊ ಮಾಲೂಮ್ ಮೇರಾ ದೋ ಶಾದಿ ಹೋ ಗಯಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇರಾ ತೀನ್ ಶಾದಿ. ತೀನ್ ಶಾದಿ? ಯಾ ಬಚ್ಚಾ ಸುಬಹ ಸೇ ಭೂಕೆ ಬೈಠೆ
और बाप तीन बार लंच कर चुका है। तीसरा लंच से एक बेटी हो गए। बेटी यानी एक और बहन। भाई लोगों की माँ बहन होती है, आपकी बाप बहन हो रही है। बाप का कोई भरोसा नहीं है, आज ऑन है कल ऑफ हो जाएगा। तू बाप है क्या पंखा? ऑन ऑफ क्या हो गया तेरे को? मोटर खराब हो गया। हार्ट हार्ट तुम जैसा संजन का शादी के अच्छा खानदान करने का लड़का के साथ पैसा रंजना का भी कर देना। बस यही एक काम बचा है, तुम अपनी शादियां करते रहो, हम अपनी बहनों की कराते रहेंगे। कोई बहन वहन नहीं मेरी। हट। लेकिन मेरा एक भाई है, सोचा था मुझे देखते ही खुशी से पागल हो उठेगा, गले लगा लेगा, पता नहीं था ऐसे अपनाने से भी इनकार कर देगा। हर रक्षाबंधन पे मैं अपने सहेलियों के भाइयों को देखकर सोचती थी काश मेरा भी भाई होता। आज जब पता चला कि है तो एग्जाम्स बीच में छोड़कर मिलने चली आई, मिल लिया। लगता है भाई का प्यार मेरे नसीब में है ही नहीं। काई को नहीं? अपुन है ना, अपुन को भी हमेशा ऐसा लगता था कि अपना भी एक बहन होता, वो आज अपुन को मिल गया। तू इसका नहीं अपुन का बहन है, अपुन करेगा तेरा शादी। मजनू छोड़ो ना भाई, इसमें इसका क्या गलती है? ये सब तो मंजू आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। चुप। वो दे तू भी मेरे जैसा इमोशनल रास्कल। अभी मैं खुशी से तीर्थ यात्रा को जाएगा और ब्रह्मचारी का जिंदगी जिएगा। शंकर शेट्टी अभी तुम चौथा शादी कर सकते हैं। अब मैं खुशी से इंडिया लौटकर अपनी एग्जाम्स दे सकूंगी। अब तेरी खुशी दुगनी होने वाली है। तुझे भाभी मिलने वाली है मेरी तरफ से या मेरी तरफ से, हम दोनों में से सिर्फ एक की शादी होने वाली है। ये शादी नहीं हो सकती। मेरा मतलब है तब तक जब तक आपकी बहन की शादी नहीं हो जाती। लेकिन हमारी शादी से हमारी बहन की शादी का क्या लेना देना? हाँ माँ उसमें। बेटी तुम भूल रही हो हम लोग कौन है। कौन? महारानी और राजकुमारी और नजफगढ़। अरे घर में जवान बहन कुमारी बैठी रहे और भाई शादी कर ले, नजफगढ़ के लोग क्या कहेंगे? हाँ क्या कहेंगे? नहीं मतलब इतनी जल्दी कहाँ से लड़का ढूंढेंगे? जल्दी क्या है, आराम से ढूंढिए ना। आपकी बहन को जल्दी है और ना हमें। लेकिन हमें तो है ना। देखिए आप इसे हमारी मजबूरी समझे या शर्त, मगर हम हमारी परंपरा मर्यादा और रस्म रिवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलो बेटी। भाई चलाना मत। कंट्रोल उदय। अरे काहे का कंट्रोल उदय भाई, अब अच्छे खानदान का शरीफ लड़का कहाँ से मिलेगा? आज तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। पागल हो गया क्या? अरे तूने नॉर्मल रहने कब दिया है? हमारी शादी से पहले तेरी एक और शादी हो चुकी थी और उससे तुझे जवान बेटा भी है, ये बात तूने आज तक छुपाई मुझसे। अरे मैं तो सुहागरात में ही बताने वाली थी, लेकिन आप तो दूध पी के सो गए ना। तो मैं सोया था, मरा नहीं था, अगले दिन बता देती जब मैं चाय पी रहा था। मैं तो आज तक कोशिश करती आई हूँ लेकिन आपने कभी मौका ही नहीं दिया मुझे बताने का। तो अब ये सब सुनने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दो मैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका एक बेटा भी है। मेरा बेटा? जब मैंने चुनाव में वोट डाला ही नहीं है तो मुख्यमंत्री मेरा कैसे हो गया? तुझे मार के भी मैं क्या करूँगा? तू खुश रहे अपने बेटे के साथ, मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाता। गुंगरू तुम मेरी किए की सजा खुद को क्यों दोगे? तुम तो जानते हो कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हमारे यहाँ पर बच्चा नहीं हुआ। तुम्हें चाचा मामा अंकल कहने वाले तो बहुत मिले, लेकिन पापा कहने वाला कोई मिला? डैडी अब्बा आई ट्रूली फील यू वेरी लकी गुंगरू। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें एक रेडीमेड जवान बेटा मिलता है। ना स्कूल लाने जाने का टेंशन, नो कॉलेज, नो डोनेशन, डायरेक्ट सन। और फिर कल को मर गए तो चीता को अग्नि कौन देगा? भूत बनकर घूमोगे घुंघरू भूत। बेटा अगर चीता को अग्नि देगा
तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ये बेटा नहीं है घुंगरू, ये तो भगवान का वरदान है। कुछ तो बोलो घुंगरू, कुछ तो बोलो ना घुंगरू। मुझे मुझे मेरे लाडले के पास ले चलो, लाडले के पास ले चलो घुंगरू। कहाँ निकले थे आप? इंडिया अपने बेटे से मिलने। बेटा मुबारक हो। आपका अपना बेटा है? हाँ हमारा बेटा। सगा? सगे से भी बढ़कर समझ लीजिए। अरे मुबारक। एक मिनट, आपका अपना बेटा आपने कभी बताया भी नहीं? अरे बताने का क्या मतलब है, मेरा तो चाचा भी है, मेरा मामा भी है, उसके बारे में मैंने कभी भी आपको बताया? इंडिया रहते हमको कभी कभी मिलता, तो आप लोगों को क्या मैं मिल आया बताया दिखाया करूं? आप नाराज मत होइए, कुंवारा है। कुंवारा है? आपको ये भी नहीं पता कि वो कुंवारा है? अरे मैंने यही कहा है कि कुंवारा है। आपको डायलॉग के एंड में क्वेश्चन मार्क सुनाई दे रहा है? वो कुंवारा है, फुल स्टॉप। अरे गंगू जी, इसी चक्कर में तो हम आपके घर गए थे ताकि आपके खानदान में कोई लड़का हो और हम अपनी बहन की शादी उससे करवा दें। बहन? तो आपने बताने की आपकी भी बहन? आपको भी पता नहीं था क्या? मेरी नहीं, इनकी इनकी मतलब मेरी इनकी सगी छोटी बहन, शायद आखिरी। हाँ, हाँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, अब बाप की मेहरबानी से तीन तीन माएं भी है। तीन माएं? हाँ, अभी अपना रिश्ता होने वाला है तो क्या छिपाना आपसे। तीसरी माँ से एक छोटी बहन है। वाह 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 वाह, बहन है। हाँ, ओके, ओके, ओके। आपको अजीब नहीं लग रहा? नहीं, क्यों अजीब लगेगा, ये तो होता रहता है सबके साथ। किसी को अचानक बहन मिल जाती है, किसी को अचानक बेटा मिल जाता है। बड़ी प्यारी, सभ्य, सरल, सुंदर है, बस आपके घर की बहू बन जाए। अरे बन गई उदय भाई, समझो रिश्ता पक्का। एक मिनट भाई, मैं मेरे बेटे से तो मिल लूँ एक बार। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप एक बार मेरे बेटे से तो मिल लो। क्या मिलने का क्या? अरे बाप गन्ना है तो बेटा तो गुड़ होगा ही ना। अबे ओ गरीबों के गालिब, ठीक से मिसाल तो दे। तो भाई आप दे दो ना। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हैं तो अंदर भगवान ही होंगे ना। आपको देख लिया, अभी बच्चे को क्या देखना है? आप जैसे शरीफ, खानदानी, समझदार, हैंडसम आदमी के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनना सुनाना तो होते रहेगा, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। मुबारक मुबारक। बहन के सगो, अभी मुबारकबाद दो। मुबारक हो गुरु जी। भाई भीख क्यों मांग रहे हो? अबे ओए भीख नहीं, चंदा मांगे अपन। एक ही बात हो गई, खाली स्पेलिंग का फर्क है, तो चंदा क्यों मांग रहे हैं? अज्जू भाई की जयंती है। जयंती? हाँ, गांधी जयंती सुना है, आम्बेडकर जयंती भी सुना है। आपके भाई फ्रीडम फाइटर थे? हाँ भाई, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर है। जिधर फ्रीडम मिलता है फाइट कर डालते। चल चल चल, पैसा डाल। क्यों परेशान हो रहे हो, दे दो ना पैसा। ठीक है, 11 रुपए दे दे। 11 रुपए नहीं, 11,000 निकाल। 11,000? हैं? तेरी माँ छोड़ के गई थी या तेरा बाप रख के गया? शायद तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। ए मदर इंडिया, शायद तू नहीं जानती हमारा भाई कौन है। वो देख वहाँ। मैं हूँ सोडा तूफानी,
यम की रानी, मैं हूँ तीखी कचौरी, मुँह में आ जाए पानी, मैं वो माचिस की तीली, जला दूँ बीड़ी मैं गीली, राउडी मेरे चक्कर में सेंटी हुआ, माँ बबली हुई तू बंटी हुआ, माँ बबली हुई तू बंटी हुआ, बंद कमरे में 20-20 हुआ, माँ बबली हुई तू बंटी हुआ, बंद कमरे में 20-20 हुआ, लूट ले 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 तो लूट लिया फिर से नाज वालों ने, लंबे लंबे बालों ने खोल रखी तालों ने, हमें तो लूट लिया फिर से नाज वालों ने, लंबे लंबे बालों ने खोल रखी तालों ने, Oh.
भाई साहब कुछ करो ना। मैं पुलिस में तो आप हो। अरे तो आप क्या चाहते हो, आज के बाद मैं खबर में चला जाऊं? इस शहर से दो लोग चले जाए ना तो यहाँ की मुसीबत खत्म हो जाएगी। कौन? पहला तो ये अज्जू, दूसरा और दूसरा भी यही अज्जू, इसके सिवा है कौन? जिंदा हो ना? अरे घंटा जिंदा हूँ मैं। घुघरू चले बॉयकट हलकट, मस्तक पे दस्तक बंदे भेजे की नस मत फाड़ रहे। घुघरू तुम्हारी ये लैंग्वेज को क्या हो गया? साला 12 घंटे इसके साथ 11 घंटा घंटा करने लगा, ये बाहुबली मुझे मोक्ष दिलाएगा? ये कैसा वरदान गले में डाला है भगवान। उधर उदय और मजनू शरीफ हो गए, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। सारी सच्चाई उनको मैं बता दूंगा। चुप! इतना बड़ा सच छुपाया? शादी की पूरी तैयारियां हो गई और राइट टाइम पर इतना बड़ा धोखा? अरे इधर नहीं मजबूरी बजा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला मैंने। मुझे आपकी बहन की शादी के लिए लाल जोड़ा लाना था, मैं मैरून जोड़ा ले आया। अबे बहन के जोड़े का रंग लाल होता है? किसी ने बताया नहीं? भाई साहब मुझे बचाओ, ये लोग पिछले 8 घंटे से मुझे नदीम सिबल के म्यूजिक की तरह लगातार बजा रहे हैं। मेरी हालत ही रात से बदतर हो गई है। लेकिन तू नाच क्यों रहा है? अरे ये सजा है। सजा? ये लोग कहते हैं डांस करते करते पिटने का मजा लो, पिटने का मजा ले रहा हूँ। अगर इतना डांस बार में किया होता तो 1,50,000 लेके निकलता बार से। मजनू भाई इससे मारिए मत, मारिए मत। आप लोग भूल गए, अब आप लोग शरीफ हो गए। अरे शरीफ हो गए इसका मतलब कोई भी आके अपन को चूना लगाएगा? अगर शरीफ उदय भाई देखते तो क्या कहते? अरे शरीफ उदय भाई से तो देखा ही नहीं गया ये सब झगड़ा। हाँ इसलिए वो कंपनी से चले गए। सुना। लेकिन भाई ने कह दिया है कि नंगा करके भेजना इसको। सिर्फ चड्डी छोड़ना। हाँ। चड्डी को छोड़ना, फिर मारी लो आप लोग। मारो इसे और चड्डी भी मत छोड़ना। मैं तो चड्डी भी नहीं पहनता हूँ। उन कमीनों ने मेरी चड्डी में उतार दिया, मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे तू घर के छोड़, मैं तो इस शहर में कैसे रहूंगा ये सोच रहा हूँ। आपने भी सच छुपाया क्या? छुपा के रखना, मत बताना, वरना एक रेडियो के पीछे दो लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। पर क्या छुपाऊं और क्या बताऊं? ये चंगू मंगू अभी तक सुधरे नहीं गया। पहले सिर्फ कमीने थे, अब कुत्ते कमीने हो गए। समझ में नहीं आता क्या करूं। तेरी शादी नहीं हुई है ना? किसे पता? ये तेरी पर्सनालिटी देखकर? क्या कमी है इसमें? अब तू ही बता, तेरी तस्वीर मैं अगर किसी लड़की को भेज दूं तो क्या शादी के लिए हाँ करेगी? कभी नहीं, मरना पसंद करेगी। हाँ ना मैं जानता था, मैं जानता था। मत हिलाओ वरना रेडियो इधर उधर हट गया तो प्रोग्राम दूसरा लग जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। अरे तेरी बेइज्जती का बदला तो मैं लूंगा। मैं कैसे? मेरे बेटे की जगह तेरी तस्वीर में उनकी बहन को भेज दूं। हाँ, ताकि वो रिश्ता तोड़ दे। बहुत हाथ पैर चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, लेकिन मेरी तरह दिमाग नहीं चला पाएंगे। खो देंगे अपनी बहन का रिश्ता तोड़ने। तब शाम की मैं वो चड्डी उतारूंगा जो उन्होंने पहले कभी पहनी नहीं। हाँ, वेरी गुड। भाई साहब बेइज्जती ऐसी जगह करना के शाड़ों को रेडियो तो क्या आईपॉड भी ना मिले छुपाने के लिए। चला जा। हाँ खींच लीजिए, अलग अलग एंगल खींच लीजिए भाई साहब। नहीं, एक ही काफी है। ओके, खाली रिश्ता तोड़वाना है। हाँ। लड़की को जान से नहीं मारना, एक ही बस है। ओके ओके। अरे कैसी आई? कमाल है यार, फोटो में तू ज्यादा बदसूरत दिखता है। मेरी माँ भी कहती है दिखा जरा।
प्रकाश चड्डी की मौत। देखो मेरे लिए कैसा लड़का सेलेक्ट किया है। जल्दी मना करो भैया को। अभी फोन पे मना करूंगी तो एग्जाम्स के बाद जा रही ना, तब समझा दूंगी। अरे शीतल ये क्या है, गुलाब का फूल, ग्रीटिंग कार्ड, लगता है कोई तेरे प्यार में अंधा हो गया है। अंधे का तो पता नहीं, गूंगा बहरा जरूर है। कभी फूल कभी कार्ड, नालू तो दादागिरी, और आज तो हद ही कर दी उसने, पिक्चर देखने बुलाया है। उस गुंडे मवाली ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। शीतल जस्ट रिलैक्स, उस सड़क छाप देवदास की आशिकी निकालती हूँ, कायदे से समझाऊंगी कि तूने समझा क्या मेरी फ्रेंड को। अगर दोबारा छेड़ा तो टांगे काट दूंगी, तू बस ये बता कि वो मिलेगा कहाँ। वो जो लड़के बैठे हैं ना उधर, उनके साथ जो ब्लू शर्ट वाला लड़का है ना, वही है। बस तू यही रुक, मैं उसको उसी की भाषा में समझा के आती हूँ। और इशारे से मैं समझाना, चल जा। भाई गोंगे से बहुत बुलवाते हो भाई। चाय जावन। ए, क्या हाल है जानवन? बदतमीज। अबे ओए। टपोरी कहीं। क्या ये सब? भाई, भाई प्यार है ये प्यार। लो। अरे चुप करो। अब उनको ये छिछोरेनेस नहीं जमता। पहले लड़की को छेड़ो, उसके बाद पीछे जाओ, उसके बाद लव लेटर लिखो। अरे अपुन के लाइफ में लव का लफड़ा तभी छोड़ सकता है जब कोई जन्नाट खुद चलकर अपुन के सामने आ जाए और स्टाइल में खड़ी होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर बोले आई लव यू। भाई गूंगी है। स्टाइल देगा भाई। हाय हाय तुझे कौन फूल देगा, चुप खामोश बैठ। अबे भाई का है, भाभी देखे गई है। नहीं, इसको ऐसे पकड़ते हैं। भाई लोगों को तो कम बोलने वाली बीवी चाहिए होती है, लेकिन आपको तो एकदम सन्नाटा मिल रही है। हाँ भाई, आप दोनों में ना सिमेट्री भी बहुत है। आप किसी की सुनते नहीं और वो किसी की सुनेगी नहीं। क्यों क्यों जावेद, जब से भाई का लव चक्कर चालू हुआ है ना, इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ भाई, चुप भाई, आप काहे को चुप बैठे लो भाई। अरे क्या बोलूं यार, जब वो अपुन के सामने आकर इशारों में अपनी बात बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई AK-47 में साइलेंसर लगाकर गोलियां चला रहा हो। ना कोई आवाज आया, ना कोई गोली चला, फिर भी दिल का एनकाउंटर हो गया यार।
फोन। ए गुड मॉर्निंग रे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? क्यों चुप क्यों है? ऐसे क्या देख रही है? हाँ? कल रात भर दिल की अदालत में आप दोनों के प्यार का केस चलता रहा और सुबह होते होते आप जीत गए। दफा आई लव यू के तहत आपको ताउम्र सजाए मोहब्बत दी जाती है। हमने ये फैसला कर लिया है कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे। अबे सुना तुमने? अपुन बन गया राजा पढ़कर राजकुमार। अपुन जीत गया। अब तो साला मजनू जलेगा। उस असली सीधे मजनू को लैला नहीं मिली, इस नकली टेढ़े मजनू को कैसे मिलेगी? करेक्ट। अब आएगा मजा। जा जाकर उदय भाई का मुंह देखा। जा जा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। क्यों? काय को? आपके दोस्त भी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, कई खबर सुन के सदमे से टपक गए तो। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके दोस्त जो आपके लिए भाई से बढ़कर हैं, वो दुनिया से कट लें। टेढ़ा है लेकिन मेरा। वो तो ठीक है लेकिन हमारी शादी का क्या होगा? अपुन की शादी का क्या? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। माना कि थोड़ा मुश्किल है पर हम समझा देंगे उन्हें प्यार से। पर आपको हमारी कसम है, आप हमारे रिश्ते के बारे में उनको एहसास तक नहीं होने देंगे। पागल हो गई हो प्यार में? तुम ये भी भूल गई कि नजब घर में हमारी पुरानी इकलौती हवेली बाकी है, नीलाम होने जा रही है। उसे बचाने के लिए 2 करोड़ हम कहाँ से लाएंगे? दो। चलो बस 2 खोके। अरे वो महारानी से बोलो आधे घंटे में 2 खोके पहुँच जाएंगे। बोलो उसको। सिर्फ 2 करोड़? उसमें इतनी टेंशन? वकील साहब, चेकबुक रेडी है सर। हाउ स्वीट ऑफ यू। कितना बड़ा दिल है आपका। हमने अपना जीवन साथी आपको चुनके एकदम सही किया। आई लव यू माय लव। आई लव यू टू बेबी। आई लव यू टू। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई रंजना? मैं देखने आई हूँ कि कितना बड़ा आशिक है वो, मेरे वार्निंग देने के बाद भी आता है या नहीं। टिकट नहीं चाहिए। दे नहीं रहा हूँ, मांग रहा हूँ। अरे टिकट देना उसको। टिकट मांगा था, मैंने बस का पास दे दिया। 17 क्या बात कर रहा है? 17 गल और ये दिन 20, लेकिन पप्पू ने तो 15 बोला था। किधर है आइडिया? रंजना 15 की जगह 17 दे डालते हैं उसको। वो नहीं, 2 एक्स्ट्रा, वो खुश हो जाएगा। और सुन, ये 3 है ना, हम लोग चोर बाजार में बेच दूंगा। मेरा कम शर्म ज्यादा होता है, आने दे। लेकिन पप्पू को बोलना मत। नहीं बोलूंगा। हेलो दादे, कहां है वो 3 बंदूक? कौन सी 3 बंदूक? उदा जी तो गम 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 गम। मिस्टेक तुमने किया और फोड़ हम लोगों को डाला। मिस्टेक अपन का? भाई भाभी क्या 5 साल की बच्ची है जिसको आप गाल पे किस चिपका दिए? होठों की फैसिलिटी होते हुए गाल पे पप्पी, ऐसा तो 70 की फिल्मों में होता था भाई। लानत है, लानत है। भाई ताल से ताल मिलाने का था, होठ से होठ, लिपिंग भाई लिपिंग। अरे आप तो गाल से गाल मिलाकर आ गए। इसलिए मारा क्या? तो भाभी ने आपको इमरान हाशमी समझा, अब भाई आप क्या निकले? अमूल पालेकर। मैं क्या करूं रामू काका,
ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया यार। बताया कि लड़का वो नहीं, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बेचारी को थप्पड़ भी मार दिया, पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। अरे तो जाके सॉरी बोल देना। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? मिलेगा क्या, वो देख वो आ गया। तुम क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बोल सकते हो? अरे बचपन से, लेकिन तू बोल सकती है? हाँ, लेकिन अब तक तुम इशारों में बातें क्यों कर रहे थे फिर? वो क्योंकि अब उनके पंटर बोलेगे तू गूंगी पैरी है। अब तो अच्छा लगा कि तू सुन बोल सकती है। मुझे भी अच्छा लगा कि तुम गूंगे बहरे नहीं हो। अब मैं माफी बोलकर मांग सकती हूँ। मिस्टेक अपुन का है, माफी तू कहीं को मांग रही है? मिस्टेक तुम्हारी? अपुन को आइडिया नहीं था कि अपुन को लिपिंग करने का है। लिपिंग? कुछ है बोलू क्या, कीड़े के जैसा बोल में तारे तोड़ू क्या। शादी का जोड़ा पहने तू मैं सूट बूट और टाइको, टाइम लगा एक काइको, तारी बन जा मेरी बाइको। शादी मुंबई में करेंगे हनीमून दो बाइको। मेरी बात सुनूंगा तेरी, एक चुम्मा लिया जो तेरा लाइफ बदल गई मेरी। दिल अंदर से जंपिंग जंपिंग फिर कर ले क्या लिपिंग लिपिंग। वेटिंग तुझको करना पड़ेगा, तू बनता है साइको। टाइम लगा एक काइको, अरे बन जा मेरी बाइको। शादी मुंबई में करेंगे हनीमून। अरे इतनी जल्दी काइको, बनू मैं तेरी बाइको, तेरे बारे में बताना है अभी तो काइको। कैसे चल रहे हो तुम? अरे यार, तुम्हारे प्यार के चक्कर में अपने सारे उल्टे सीधे धंधे बंद कर डाले, शरीफ बन गया। अभी स्टाइल बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और उससे भी कम टाइम लगेगा भैया को तुम्हें पहचानने में। अज्जू से अजय बने हो तो शरीफों की तरह चलना बोलना भी सीख लो ना। ठीक है, वरी नॉट, फुल ट्राई मारेगा अपन।
और ये अपुन टपुन शपुन प्लीज हाँ अब बंद करो ओके एंड प्लीज भैया का बीपी मत बढ़ाना हाँ ठीक है सर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है सर क्या भाई आप ही छोटी छोटी बात में बहुत बड़ी टेंशन ले लेते हैं हाँ। भाई इतनी सी तो बात है इतनी सी बात तेरे बाप ने तीन शादियां करके ऐसा झमेला खड़ा किया है क्या रंजना की शादी कहीं और तय की है मैंने उसका प्यार किसी और से हो गया है और आज उसे मिलवाने लगा ये इतनी सी बात है रंजना रंजना भाई रंजना जी रंजना भैया अरे भैया ये सब क्या है कुछ नहीं रूटीन चेकअप है रूटीन चेकअप नॉर्मल है नॉर्मल बैठो 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 सर मैं भी बैठू अजय दोनों को बैठने के लिए कहा है थैंक यू सर क्या लेंगे आप कटिंग इनका मतलब है नथिंग नथिंग जी चाय नहीं पीता मैं भैया जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया है आई एम श्योर कि वो अच्छा ही होगा लेकिन अजय बहुत अच्छा है भैया वी रियली लव ईच अदर इसलिए अजय और मैं हम शादी करना चाहते हैं भैया आप नाराज तो नहीं हो नहीं नहीं नाराज क्या होना इतनी सी बात है नाराज क्या होना तुम खुश हो मैं खुश हूँ मेरी जिम्मेदारी नहीं मेरी जिंदगी हो सर हाँ मम्मी डैडी तीनों माया गुजर गई हैं बाप भी उसी रास्ते पे है नहीं नहीं अपने मम्मी डैडी के बारे में बात करें कि कब आपसे मिलवाए हम मिलेंगे ये रिश्ता कैंसिल हो जाए बड़े शरीफ लोग हैं हम शरीफ लोगों को समझाना जरा मुश्किल होता है ना ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके लिए ऑकवर्ड हो तो ये जाके रिक्वेस्ट करेंगे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं मैं संभाल लूंगा होता है लाइफ है होता है ना संभाल लूंगा सर मैं कुछ बोलूं सर हाँ तुम भी बोलो क्या ना रिश्ता ऊपर वाला बनाता है नीचे वाले टांग अड़ाते हैं रिश्ते जैसे रोमियो जूलियट देवदास पारो शिरी फराद कौन शिरी फराद शिरी फराद शिरी फराद हाँ उसका क्या जो प्यार की जो वो क्या बोलते गांठ नहीं वो च्युइंगम डोर उसका क्या दुनिया तोड़ देती है लेकिन हमारी शादी होगी आप है ना हमारे साथ किससे प्यार हो गया है लंबा चौड़ा चश्मा पहनता है अच्छे घर का शरीफ लड़का है शरीफ लड़का है तो हमने क्या किसी चंबल के डाकू के साथ शादी फिक्स करवाई थी ये प्यार व्यार कैसे हो गया और उस बुड्ढे को कौन समझाएगा उस बुड्ढे को कौन बुड्ढा अरे वही गुंगरू अच्छा जिसे हमारे हमारे पैरों में होना चाहिए था इन्होंने उसे गले लगा लिया अब वो हमारे पैरों में घुंगरू बांधकर हमें कोठे पे नचवाएगा शादी का प्रोग्राम फिट कर दिया उसे पता चलेगा तो 10 बार मरेगा और 100 बार गालियां देगा वो अलग भाई लोग हैं हम बांट के खाएंगे 50 मैं खाऊंगा 25 तू खा लेना भाई बची 25 गालियां घर ले जाएंगे वो तेरी वो तुम लोग खाओगे तुम लोग बहन के सगो बहुत मुबारक हो कर रहे थे ना अब भुगतो आप लोग यहाँ अचानक सब ठीक तो है ना हाँ। क्या बात क्या आइए आइए बैठिए आइए नमस्ते आइए आइए बैठिए रवि मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ नाश्ता नाश्ता नहीं मिलेगा कैंसिल हो जाएगा बोलिए उदय भाई हाँ? क्या बात क्या नहीं वो शिरीन फरहाद शिरीन फरहाद हाँ, मतलब एक बार प्यार हो जाए तो मैं समझा नहीं शादी तो ऊपर से भगवान ये रिश्ता नहीं हो सकता ये आप क्या कह रहे हैं उदय जी अरे कहने दो यही तो सुनने के लिए कब से कान तरस रहे हैं ये आप क्या कह रहे हैं रिश्ता नहीं हो सकता मतलब क्या बोल मतलब आप लोगों का दिमाग तो ठिकाना है मैं दूल्हे की घोड़ी से लेकर डीजे तक सब बुक कर चुका हूँ और तो और वो नागिन की धुन पे कौन कब नाचेगा वो भी सब तय हो गया अब बताइए घोड़ी पे कौन बैठेगा नागिन पे कौन नाचेगा मुझे बताइए हमने भी बहन की मेहंदी से लेकर दलेर मेहंदी तक सब तय किया कौन सी मेहंदी दलेर मेहंदी दलेर मेहंदी
लेकिन वो क्या है, दूसरे के प्यार में अटक गई तो भगवान के लिए बुरा मत मानिए। नहीं, नहीं नहीं, मैं तो खुशी के मारे भिखारियों में कंबल बांटूंगा। भिखारी बोल के हमारी तरफ इशारा? अरे इनकी बात कर रहे क्या? मिस्टर उदय शेट्टी, यस, मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन की शक्ल सूरत देखे बिना शादी के लिए हाँ कर दी थी, देखे बिना। अब उस भले लड़के को ये पता चलेगा कि उसकी होने वाली वाइफ किसी और के साथ सेट हो गई है तो भला आदमी अपसेट नहीं होगा? नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, शौहरत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत है? हाँ इज्जत है, है थोड़ी है? मतलब आपके बेटे के लिए हम लड़की ढूंढेंगे। ये देखो है, खुद के लिए लड़की ढूंढी नहीं जा रही, थोड़े सांड की तरह घूम रहे हो दोनों, और मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढोगे? सही बात है, तुम्हारे घर में रिश्ता होने से तो अच्छा है कि मेरा बेटा जिंदगी भर कंवारा रहे। और हाँ, अगर तुम्हारे बाप ने चौथी शादी करके तुम्हारे हाथ में एक और बहन का हाथ पकड़ा दिया ना, तो उसका भी रिश्ता तय करने से पहले उसे पूछ लेना कि उसका चक्कर कहीं और तो नहीं चल रहा है ना, कहीं सेट तो नहीं हो गए। गुंगरू, ये क्या बोले जा रहे हो? कम से कम ये तो याद रखो कि ये हमारी समधी है। ये ऐसे समधी, इनको तो समाधि में बिठा देना चाहिए। जिस घुंगरू की शराफत की लोग मिसालें देते, उस घुंगरू की सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी, बोलो। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। भाई गन लोड हो गई, चला दो आज। नहीं, गलती अपनी है। इतनी भी बड़ी गलती नहीं भाई, ये कुछ ज्यादा इशारा मन रहा है, इसे मैं बात करता हूँ। ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना मेरे को आता है। गुंगरू जी, मैं क्या बोल रहा था? अरे तू तो चुप ही रह बे टेढ़े कंधे, बेशरम, बेहया, बेमुरव्वत, बेवकूफ, कमीने। कमीने तो बेस नहीं होता। अरे तू बे छोड़ ना बे, तू गाली पे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करता रे, है अनपढ़? जिसका भाई मजनू, उसकी बहन किसी न किसी की लैला तो होगी, वो भी कहीं ना कहीं तो गुल खिला ही रही होगी। क्या देख रहा है टेढ़े कंधे, मारेगा तू? मारेगा मुझे? कम ऑन, मार मार। गुंडे कभी सुधरेंगे नहीं, खाली शराफत का चोला पहन के घूम रहे बस। गुंगरू जी, हम शर्मिंदा हैं। अबे तू शर्मिंदा है, गोविंदा है, मुझे मत सुना, जाओ जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं निपट लूंगा। सर, ये मेरा घर है। तो घुंगरू यहाँ पे इंगेस्ट है? ये मेरा बाप है। अब मेरे डैडी है। वाह वाह वाह, कमाल हो गया घुंगरू जी, कुछ समझ में ही नहीं आया, अजीब सा कुछ कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअली रंजना जिससे प्यार करते है वो आप ही का बेटा है, अजय। ये तो सचमुच कमाल हो गया। मैं तो पहले से कह रहा था ना कि तुम्हारी बहन किसी गलत लड़के को तो चुन ही नहीं सकती। इनसे मिलो, ये है मजनू, हमारे दोस्त, बिजनेस पार्टनर, भाई, जान, सब कुछ। घुंगरू जी, आज ज्यादा ही बज रहे थे आप। ऐसे ही बाप तक पहुंच गए। टेंशन। सांड पीछे पड़ जाए तो क्या हो जाता है मालूम है ना? जली जली जली, साला लाइटर नहीं जला सकता, गोली क्या चलाएगा? कॉलेज, नॉलेज। क्या बच्चा समझ में नहीं आ रहा? अरे कैसी बात कर रहा है तू? घुंगरू जी का खानदान है इतना शरीफ, उनके घर की मक्खियां भी सिर पर दुपट्टा लेकर उड़ती हैं। अजय का इस तरह डेढ़ छाने की तरह चलना,
इस तरह हाथ उठाकर मिलना, ऐसे स्टाइल से माचिस जलाना, ये सब तो अपने बिरादरी के लोग करते हैं। अरे भाई, आजकल के कॉलेज के लौंडे स्टाइल में अपने भी वाप हो गए, ये सब फैशन हो गया भाई। हाँ मजनू भाई, आप अजय जी पे खाली पीली शक कर रहे हैं। हाँ। और नहीं तो क्या, रंजना बहन की इंगेजमेंट है, आप उस पे ध्यान दो भाई। चलो भाइयों, बहुत काम करना है, आ जाओ। चले वकील। हाँ चलो। अरे शक्ल पे स्माइल लाओ, मैयत में आई हो क्या? अरे मेरे लिए तो मैयत ही है, आज रंजना की सगाई के बाद ये दोनों पहन के भाई मेरे पीछे पड़ जाएंगे वापस। कैसे है सब, ठीक? कैसा लग रहा हो? बहुत अच्छे। आइए रंजना के मंगेतर से मिलवाता हूँ। वो कमीने मजनू को समझा? समझा रही हूँ। गुड, आ जाए। अजय, महारानी पद्मावती, राजकुमारी अपना जब गढ़ चांदनी। भाई भाई, शेख साहब आ गए। ओके, समझ। अजय, क्या शिलामन है ये? बनारसी पान लगता है क्या? अगर इसको चुना क्या समझ के लगाया? इसको प्यार का पपलू देके जो माल लूटा है ना, वो सब निकालो, वरना जब अज्जू भाई मारने पे आता है तो जेंडर नहीं देखता है क्या? बालक, एक दिन का समय और दे दो। उस दिन के बाद आज मिल ले। हम तो आज भी नहीं मिलने वाले थे अज्जू भाई। अजय, यहाँ अपन के बारे में किसी को बताया ना? क्यों बताएंगे, हमें अपने राज सुनो करवाने हैं। हाँ, भाई साहब रसम शुरू करें। हाँ चलो भाई। ए अजय, आजा। एक मिनट। अरे मजनू, कहाँ रह गया था तू? दूल्हे की बारात निकालने की तैयारी कर रहा था। अरे मजनू भाई, बारात शादी में निकलती है, ये तो मंगनी है, आपको किसी ने बताया नहीं? अब उनको बहुत कुछ नहीं बताया गया। समाधि जी। समाधि जी नहीं, समधि जी। समधि, समाधि। फ्यूचर में बोलने वाला डायलॉग प्रेजेंट में बोल डाला। उदय भाई, तुम जिसको शरीफ ज्यादा अजय समझ रहे हो, असल में मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा है अज्जू भाई। बताए शरीफ शाने की फुल लाइफ हिस्ट्री। अरे डर मत, तुम मजनू के साथ खड़ा। ये अज्जू भाई, मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा सरदार, दंगा फसाद। सुन लिया? और सबसे बड़ी बात, ये इसका बेटा भी नहीं है। था ना कि घुंघरू जी के घर में मक्खियां भी सर पर दुपट्टा डालकर उड़ती है, देख लिया कैसा घर और कैसी मक्खियां। मजनू भाई मेरी बात सुन। ऊपर वाला ने कान दो और मुंह एक दिया है, इसलिए बोल कम और सुन ज्यादा कमीने। मजनू जी, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए। चुप, मुंह से आवाज निकाली तो बॉडी से जान निकाल दूंगा। क्या बोला था तूने? क्या? बेटे को छोड़कर गाली पे कॉन्सेंट्रेट कर। अपुन को गाली पर कॉन्सेंट्रेट करवाया और खुद अपने बेटे पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। अपुन की मासूम बहन की शादी इस गुंडे से करवाना चाहता है?
उसकी जिंदगी और अपुन की इज्जत हेल लगवाना चाहता है। भाई गन लोड हो गई। अरे पूरी दुनिया यहाँ इकट्ठा हुए उनके सामने, कुछ मत बोलो। कंट्रोल कंट्रोल। नहीं नहीं वो पहले जैसा नहीं रहा, शरीफ हो गया है वो। अरे आज तक हम लोग शरीफ नहीं हो पाए, ये क्या टंटा होगा। अरे कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। उदय मजनू है हम, उदय मजनू अखा दुनिया का कांड करके बैठे हैं और तू अपुन से काला कांडी करेगा। उनकी बदनामी तक तो ठीक है, लेकिन अपनी इज्जत की क्यों पेंटिंग बना रहा है। मेरी बात सुन, निकल। मेरी बात निकल, मेरी बात तो निकल, मेरी बात। बाप है ये मेरा और मैं तेरा। बड़ा हाथ लगाया तो हाथ तोड़ूंगा बाद में, उखाड़ूंगा पहले। भेड़ गली के मामूली गुंडे ये मत भूल, अपुन अभी शरीफ हुआ है, नहीं तो पहले अपुन भी गुंडा था। अबे तू गुंडा था, अपुन गुंडा है, और कितना बड़ा गुंडा है इस बहन के पकोड़े ने बार-बार बताया नहीं तेरे को। जा मुंबई जाकर मालूम कर, उधर जितनी लोकल ट्रेन नहीं चलती ना उससे ज्यादा अपन पे केसेस चल रहे हैं। और एक बात बता, वे मोबाइल उसका, सिम अपुन का, तू बीच में मिस कॉल देने वाला कौन। अबे भैरू उसकी, प्यार अपुन का, तू बीच में काम लगाने वाला कौन। अरे अपुन भी उसका भाई है, मजनू भाई। अरे सारे मजनू भाई पत्थर खाने वाले काम करते हैं, खुद को तो लेना मिलती नहीं और जिसको मिल रही है उसमें भी फिगरबाजी। आज तक जो अपन के मन में आया अपन ने हासिल किया, फिर तेरी ये बहन तो अपन के दिल में आई है। मंगनी होए ना होए शादी होगी, और वो भी अपन के साथ। खलास। अरे देख क्या रहे हो, उठाकर बाहर फेंको शरीफ शाने को। अरे बोला था शरीफ नहीं होने को, झेलो अभी झेलो। हड्डियों को 2006 तरीके से तोड़ने का एक्सपीरियंस है अपुन का। सगा अपन के प्यार के बीच आया तो बीच से ही चीर डालेगा। गरीब लोगों के सरों पर बहुत कबूतर बिठा है ना तूने। लेकिन अपन भाई साहब शरीफ नहीं है, अपन पे जो हाथ डालता है अपन उसकी फाड़ डालता है। तुम लोगों के सरों पर क्या बिठाऊंगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या क्या बिठाएगा?
सुनो, अब ये तुम्हारा उदय बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। तूने बिल्कुल सही कहा था, शराफत एक बुदबुदा है, कोई कीमत नहीं उसकी दुनिया में, कुछ नहीं रखा उसमें। क्या हुआ भाई? बहुत दिन के बाद एक्साइट हुआ ना, कैच आ गया। दुनिया में दो ही चीजों की कीमत है, एक जमीनों की, दूसरी कमीनों की। बोली नहीं बोली से काम चला लूंगा ये सोचकर बरसों पहले जिन बंदूकों को मैंने दफनाया था उन्हें कब्र से बाहर निकालो। मेरे को मालूम था जरूरत पड़ेगी। अबे ओ, हाँ भाई, हथियार निकाले क्या? गोलियां मिल गई भाई, बंदूकें ढूंढ रहा हूँ। चल चल जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। अरे कल का लौंडा हमारे सर पे कौवे बिठा गया, उन्हीं कौवों को उसके श्राद्ध में उसके पिंड पर बिठाएंगे, उसे मुक्ति दिलाएंगे। ये ना बात, बंदूकें मिली क्या? हाँ भाई मिल गई, कोने में मिसाइलें भी पड़ी है, ले लूं क्या? टैंक भी ले ले। अज्जू को मारने जा रहे हैं, इजराइल पे हमला करने नहीं जा रहे। साला अपुन का फेवरेट गॉगल भी ले गया। उदय, मजनू, अरे क्या रे, तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम लोग अज्जू भाई के रिश्तेदार हो? अरे बादशाह खान अज्जू भाई के सालों से हफ्ता लेगा क्या? ये लो। ए मूछ वाले बीन बैग, अज्जू से अभी हमारा कोई वास्ता नहीं, रिश्ता तोड़ दिया है हमने। अरे रिश्ता तुमने तोड़ा है ना, उसने तो नहीं तोड़ा। वो रिश्ता तोड़े तो बात बने, और वो तो सिर्फ हड्डियाँ तोड़ता है, हड्डियाँ। हुकुम का इक्का और अज्जू भाई का मुक्का, जहाँ पड़ा गेम खत्म। पंगा मत लो, पंगा मत लो, जाके उसके पैर में पड़ के प्रॉपर माफी मांगो। पैर का एड्रेस याद है ना? ये नहीं है, ये है। और जब तक वो माफ न करे उसके पैर छोड़ना मत। उदय उदय उदय, तू तो समझदार है, तेरे को है, तू तो जानता है ना, अगर उसने माफ नहीं किया तो चीर के उदय उदय अलग, शेट्टी शेट्टी अलग कर देगा। अरे कहाँ गए सब लोग डर के मारे? तेरे पीछे। रोको इन पागलों को, ये दोनों एटीएम कहीं मर मर आ गए ना तो अपना अकाउंट बंद हो जाएगा। डाय करने की उम्र में लड़ाई करने निकले कमीने। चलो चलो बेटी। तूने बुलाया ना? कहाँ जा रहे हैं आप लोग मरने? मरने? लो अभी से सोच लिया, हम ही मरेंगे। हाँ अज्जू ने मार दिया तो मर गए, और अगर आपने अज्जू को मार दिया तो मर्डर केस में या तो फांसी होगी या तो कम से कम 14 साल की सजा। अब इस उम्र में 14 साल की सजा आपके लिए तो फांसी है। कभी ये सोचा है आपने कि आपकी मौत के बाद हमारा क्या होगा? क्या हो गया आप लोगों को? हाँ इतने शरीफ समझदार होकर उस टुच्चे से गुंडे अज्जू से लड़ने जा रहे हैं? जब बात एक शरीफ आदमी की इज्जत की आती है ना तो उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। अरे गाड़ी में जाकर बैठो, तू क्या बैठो गाड़ी में। अरे रोको मो इन बहन के भाइयों को। हाँ जाइए जाइए, हमारी बेटी का जो होगा सो होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आपके बाद आपकी बहन का क्या होगा? उदय जी, आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन आपकी बहन के पास क्या है आपके सिवा? अरे अपने हाथ पैर चलाने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और उस अज्जू की दिल पर चोट पहुंचाइए। अरे जो गुड़ से मर सकता है उसको जहर देने की क्या जरूरत है? मेरा शादी किसी और के साथ तय कर दिया, ठोक डालेगा दोनों को, प्रिटेंशन ही खलास। हाँ ठोक डालो ताकि उनमें और तुम में कोई फर्क ही ना रहे। तो जहाँ रिश्ता तय किया वहाँ शादी कर लेगी तू? उससे पहले तो मैं जहर खा लूंगी। बेटा देखो भाई, मेरे हिसाब से तो एक ही रास्ता बचा है, भाग के शादी कर लो। नहीं अंकल, मैं अपने भाइयों की बेइज्जती नहीं कर सकती। शादी करूंगी तो सिर्फ उनकी मर्जी से। अरे बेटे वो मर भी जाएंगे लेकिन अपनी खुशी से कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे, समझो। टेंशन मत ले, तेरा शादी अपुन से होएगा या फिर किसी से नहीं। कैसे होगी? तुम्हारी वजह से शादी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए भैया कोई वांटेड भाई को इनवाइट करने गए हैं। वांटेड भाई? क्या बाप, वांटेड भाई का नाम सुन के 440 वोल्ट का झटका काहे को लगा? 440 वोल्ट का झटका तो बेटा जब मैंने पहली बार RDX का नाम सुना था ना तब लगा। वांटेड का नाम सुनके तो पूरा बिजली का खंभा। तू जानता नहीं वांटेड भाई कौन है? वांटेड भाई।
उदय, मजनू भाई, आपको कैसे पता चला कि हम आए हैं? भाई, ये हमारा आइलैंड है, कोई अमेरिका नहीं कि कोई भी बिना इजाजत वहां घुस जाए। बूम। और दूसरी बात, तुम दोनों अब भी वही खुशबू वाला परफ्यूम इस्तेमाल करते हो जो भिंडी बाजार में 100 के 3 मिलते हैं। भाई, हमारे जैसे लोग निशाना लगाते हैं तो गलती से एक आध लगता है, और इनका निशाना सर्कल के बीचों बीच। पसंद नहीं है। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? नहीं, कार्ड देना था शादी का। शादी? हाँ, हमारी नहीं वांटेड भाई। हाँ, यही तो हम भी सोचे कि इतने पुराने खंडरों को खरीदार कहाँ से मिल गया। मजाक था भाई, मजाक। मजनू भाई, इस गड्ढे के बारे में तो पूछो। कॉमन सेंस मजनू, कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। सुन लिया? हनी, अब क्या किया इस लड़के ने? फिर तुम कमबख्त हो, मैंने कहा था इसे ड्रग से दूर रखो। इसकी तो नहीं बेटे, अरे ड्रग नहीं लूं तो क्या करूं? अपने बेटे की एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। आई हेट यू, आई हेट यू बेटा, आई हेट यू। ये हनी बाबा आपसे इतने नाराज क्यों हैं? ऐसी कौन सी ख्वाहिश है उनकी जो आपने पूरी नहीं की? अरे, उसकी हर ख्वाहिश पर तो हम अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन अब की बार जो उसने मांगा है उसे ढूंढ ढूंढ के हमारी आंखें थक गईं, लेकिन मिली नहीं। कोई नया ड्रग है? ड्रग नहीं, उसकी मोहब्बत, उसका पागलपन। जब से उस लड़की को देखा है, पागलों की तरह उसी की तस्वीरें बनाता रहता है। ये हनी पेंटर है? हाँ, क्यों? अच्छा है, गुड। अपन भी पेंटर इसलिए जानकर खुशी हुई। सर, हनी बाबा ने अपने हाथ की नस काट ली। हाँ? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हनी, हनी माय सन, हनी बेटे, ये क्या किया तुमने? तुम हमारी दुनिया हो बेटे, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और ये मेरी दुनिया है डैड, ये मेरी दुनिया है। जो लड़की सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों में आई है, उसे हम तस्वीर से निकाल के तुम्हारी तकदीर बना देंगे। उसे क्या, उसके पूरे खानदान, उसके पूरे शहर को उठा लाएंगे। तुम्हारी शादी उसी से होगी बेटी, और तुम्हारे खून के एक एक कतरे को हम उसकी मांग का सिंदूर बनाएंगे। गए थे कील ठोकने, पड़िया सर पर हथौड़ा। एक तरफ वो गुंडा अज्जू और दूसरी तरफ वांटेड का चर्सी लौंडा हनी। कुछ भी हो, रंजना की शादी इस गंजाड़ू से नहीं होने देंगे। ऊपर वाले ने सारे लफड़े तुम्हारे खानदान के शादी में डाल दिए। मगर मेरी क्या गलती है? खानदान के शादी का कोटा बाप ने पूरा कर दिया। बच्चा सेहरा जब में लेके घूम रहा है, बहन की शादी भी रुकती नजर आ रही है। जाते ही शादी कर देते हैं और फिर फटाफट विदाई मेरे बाद में होते रहेंगे। और सुनो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हम कसम खाते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। हां, चलो बैठो बैठो। मजनू, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, लड़का भी शरीफ है। बिना टेंशन बहन की शादी हो जाए, नंगा ना लूंगा। नंगा नहीं, गंगा।
हम दोनों नहाएंगे और उन दोनों को नंगा करके डुबो देंगे। हाँ। किनको? वही उस सांड को और अंधे को, वांटेड है ना जुबाई। अरे किन मनुष्यों का नाम लिया यार, छोड़। नमस्ते भाई। बहन की शादी करा रहे हो और दूल्हे को बुलाया भी नहीं। मजाक था भाई, मजाक था। लेकिन सच ये है कि हनी भी बहुत जल्द दूल्हा बनने वाला है। अच्छा। हमें खबर मिली है कि आज तुम्हारी बहन की शादी में इसे वो लड़की मिलने वाली है जिससे ये प्यार करता है। लड़की मिलने वाली है? आपको किसने बोला? हमारे नए दोस्त। वांटेड का बेटा रंजना से प्यार करता है, ये बात आपने हमारे अलावा अजय को भी बता दी। चुप कर। क्या शादी रुकवाई यहाँ? अरे इतनी चालें तो शतरंज में भी नहीं होती है जितनी तो रियल लाइफ में खेल लेती है। अरे खोली का क्यों सजाया है? कोई शादी वादी हो रहा है क्या? तो ये क्या डेकोरेशन हमने डांडिया खेलने के लिए किया है? हाँ। नहीं मतलब दूल्हा दुल्हन दिखाई नहीं दे रहे ना? नहीं दिखेगी दिखेगी, वो अभी बारात आने वाली है। ओ। अच्छा तो दुल्हन भी बारात के साथ आएगी? अरे वो तो यही होगी ना। हाँ? तो ये फ्यूज बल्ब से वांटेड भाई से आशीर्वाद दिलवा दीजिए। कहाँ है बच्ची? अरे वो रही बच्ची। आइए आइए आइए, मेहमानों से आइए। रंजना, कितना कमीना है वो अज्जू। शादी रुकवाने के लिए वांटेड और हनी दोनों को ले आया। मैं घूंघट ओढ़ लूँ ना। हाँ, हाँ, ओ घूंघट ओढ़ लो, ओढ़ लो, ओढ़ लो। अब देखना तू क्या बात है सर। अरे वहाँ कांटों में कहाँ लिए जा रहे हो? खुशबू तो इधर से आ रही है। आइए अंधा इधर ही आ रहा है। ये है महारानी ऑफ खुशबू नजफगढ़। हाउ डू यू डू? और ये है, अरे इन्हें कौन नहीं जानता, वांटेड जी ये चांदनी है। नमस्ते। हमारी बेटी। हमारी मतलब मेरी है। यही हम सोच रहे थे, हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला डाली? जी मजाक था। अभी भी टाइम है साले, डेकोरेशन भी वही, मेहमान भी वही, खाली थोड़ा चेंज कर, क्या बोलता है? ये आ गई रंजना। जितना लंबा पर्दा आपने अपनी बहन पे डाल के रखा है, उतना लंबा पर्दा तो हम लोग हमारे खिड़की दरवाजे पर भी नहीं डालते। नहीं ये रसम है। और ये भी रसम है कि शादी के बाद दुल्हन का घूंघट दूल्हा ही उठाता है। ओ, तब तो इस रसम की तूती बजानी ही पड़ेगी। तूती बोले वेडिंग दी, दूती बोले वेडिंग दी। घुटे में छुपी है गोरी, दिल मेरा करके चोरी, तेरे कंगन ने कमीठा मीठा साउंड सोनी है, तेरे कंगन ने कमीठा मीठा साउंड सोनी है, तेरे आगे पीछे मारू मैं तो राउंड सोनी है। शादी वाले ठम 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 करके ढोल बजते हैं ऑल अराउंड सोनिए। मेरी अख नारे अख मेरी सेट हो गई, सारे के दिल लगे जोड़ी परफेक्ट हो गई। दूती बोले वेडिंग दी, दूती बोले वेडिंग दी। झुमका मेरा मेरा लेता है नाम तेरा तेरा,
स्टॉप लगा लव स्टोरी पे रोमांस में कितने हो गए तब्बा दारू शारू चढ़ी चढ़ी तेरी बात चुरा के बड़ी बड़ी तेरा बैंड शैंड देंगे हम बजा आएगा मजा उठी बोले बैंडिंग दी उठी बोले बैंडिंग दी मजाक था भाई मजाक ना करो किया मेरा पहला लव ये मेरा ये पर्दे पे हिट हो गया फिल्मी है तेरा इश्क इश्क ना ले तू ऐसे रिस्क रिस्क ये क्लाइमेक्स तेरा तुझको क्या पता ना बजा तू लव की बीन बीन ना सिग्नल देंगे ग्रीन ग्रीन रेड गाड़ी अपनी साइड पे हटा वो सावन की घटा उदुती बोले वेटिंग दी उदुती बोले वेटिंग दी उदुती बोले वेटिंग दी सन 13 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है और हमने फैसला किया है कि उसी दिन तुम्हारी और रंजना की मंगनी भी होगी डैड यू आर द ग्रेटेस्ट डैड थैंक यू सो मच डैड आई लव यू डैड ये मंगनी नहीं होगी क्या कहा हमने ठीक से सुना नहीं भाई ने बोला मंगनी नहीं होगी अरे मजनू उदय ये तुम दोनों की मंगनी नहीं है जो ना हो सके ये हमारे बेटे की मंगनी है आपका बेटा है इसलिए मंगनी नहीं होगी उदय डायरेक्ट शादी होगी आपका बेटा बेइंतहा प्यार करता है हमारी बहन से प्यार करने वाले को इतना तड़पाना अच्छा नहीं है दिल खुश कर दिया उदय थोड़े सेकंड मुझे लगा तुम डैड के फैसले के खिलाफ हो हाँ शादी से पहले ही काफी जनाजे वनाजे नजर आने लगे थे मजाक था भाई मजाक उदय मुबारक हो उदय मुबारक क्या आपने उदय भाई दिमाग उमाग खिसक गया क्या आपका हाँ उस हज्जू का दिमाग ठिकाने लगाना था ये ईगो है आपका जिद है
रंजना की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप। ऐसे रंजना के साथ वो भी तो बर्बाद होगा। पागल हो गए हो? दिमाग सटक गया क्या? रंजना मेरी बहन है, मैं चाहे जो फैसला करूं। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं कौन होता हूं? रंजना अपुन की भी बहन है, ये मत भूलना होते भाई कि मजनू अगर सही बात के लिए जान दे सकता है तो गलत बात के लिए जान ले भी सकता है। मारेगा तू मुझे? मारेगा? मार मार। प्यार में और जंग में सब कुछ जायज है। उसने प्यार किया है, जंग मैं छेड़ूंगा। भगवान का दिया चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, उस अज्जू से हारूंगा नहीं, टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। अरे रो क्या रहा है? गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। कोई फायदा नहीं है उधर भाई। क्या बोला? चीर कर यहीं गाड़ कर रख दूंगा, कुछ नहीं होगा मेरे उदय भाई को। उदय भाई बात करो, अपन ऊंची आवाज में बात किया तुमसे, मारो अपन को, काट डालो अपन को। लेकिन उठो उठो उदय भाई, उठो भाई, भगवान की मर्जी। एए! क्या भगवान? भगवान तू भगवान है? इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी करेगा और अपुन साला देखता रहेगा, आग लगा देगा तेरी अच्छी दुनिया को, जला कर खाक कर देगा। ए उदय भाई उठो यार, तेरे सिवा दुनिया में अपुन का कोई नहीं। ऐसे अनाथ बनाकर मत जाओ अपने मजनू को। आज तक हर काम अब उन्हें साथ में किया, जाने का टाइम आया तो अकेले चले गए। ये रोंगे बिल्कुल रोंगे उदय भाई, बिल्कुल रोंगे। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल भाई। की आवाज अब तक कानों में गूंज रही है। अरे बोल रहा हूं तो गूंजेगी ना। मजाक नहीं, मजाक नहीं, शादी के दिन ऐसे ही अटैक आएगा। क्या मतलब? मतलब भाई मरेगा तो बहन की शादी कैसे होगी? हाँ कम से कम 40 दिन तक तो टली जाएगी। अरे हम शेट्टी हैं, सवा साल तक खुशियां नहीं मनाते, और सवा साल में ऐसे सवा सौ वांटेड भाई को इस दुनिया से अनवांटेड कर सकते हैं हम, क्यों मजनू? अरे भाड़ में गया वांटेड भाई, आपने तो आज अपुन की जान ही निकाल दी थी। आज के बाद ऐसा गंदा मजाक किया ना तो सच में ठोक डालूंगा तुमको। अरे तो कमीना, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है ना। चलो इस बहाने पता तो चला, चार लोग हैं पीछे रोने वाले। पांच, सबसे ज्यादा मैं रोया हूँ। झूठ बोलता है भाई, सबसे ज्यादा मैं रोया हूँ आज। क्यों, तेरी तीन आंखें हैं क्या? अरे भाई सबसे ज्यादा मैं रोया हूँ कसम से। भाई एक बार सच्ची का मर के दिखा दो ना, फिर खुद ही देख लेना कौन सबसे ज्यादा रोता है। अरे कमीनो जरा चुप रहो ना, चुप रहो। चुप हो जा उदय भाई, जिंदा है, मरे नहीं है। अब अगर सच में मरेगा तो कौन? अज्जू। आपने ये शादी फिक्स करके तबीयत से बजाई उसकी, अब देखते कैसे बजाता वो बाजा। मम्मी से प्यार का झूठा नाटक, ये हमसे नहीं होगा। वैसे भी हम उदय और मजनू से प्यार करते हैं। दो दो से तो एक और सही। किसी और से प्यार करना हमारे लिए पाप है पाप। ओए बैंकॉक वाला कैरेक्टर होके हरिद्वार वाला फील मत दे। जब पुलिस को पता चलेगा कि नजफगढ़ की राजकुमारी और उसकी माँ यहाँ छुप के बैठे ले तो क्या होगा बबीता? क्यों नाम? पूनम। कमी नाम और असली नाम भी जानता है। ये आपके असली नाम है? ए, सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी धमकी से डर जाएंगे? हाँ और अगर ऐसा लगता है तो ठीक लगता है, तुम जैसा बोलोगे करेंगे ना यार। अरे वो तो करना ही पड़ेगा, टाइम नहीं है।
24 घंटे के अंदर कर देना। माँ, अनी से प्यार का झूठा नाटक हमसे नहीं होगा। बेटी बिल्कुल नहीं करना, हमें कोई झूठा नाटक नहीं करना है, हमें तो सच्चा प्यार करना है। तब बहुत बड़ी पार्टी है, तुम्हारे जीते जी तुम्हारे सामने ताजमहल खड़ा कर देंगे। अब उधर मजनू छोड़ो उनको, वो तो एक्सपायरी डेट से भी ऊपर निकल चुके हैं। निकल तो चुके हैं, पर मत तुम तो वो वांटेड से ना। ओ बेबी कम ऑन, वांटेड तुम्हारा ससुर बने या बाप, नहीं तुम्हारा पति बने या भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रॉपर्टी अंदर होनी चाहिए। बस तुम इतना याद रखो, हनी अंदर तो मनी अंदर, मनी अंदर तो हनी बाहर। दैट्स माय गॉड। कंट्रोल उदय भाई, कंट्रोल। ये हो क्या रहा है उदय भाई? समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अरे चुम्मा चाटी हो रहा है, ये हनी बाबा भी ना। नहीं नहीं, हनी बाबा ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे आजकल के सारे बाबा ऐसे ही है। हो सकता है राजकुमारी हनी बाबा की आंखों से कचरा निकाल रही हो। झाड़ू दिख रहा है, राजकुमारी से पूछो यही बहाना बनाएगी, कचरा निकाल रही हो। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं हाँ, शर लगी लगी चल। हेड़ा है तो केस, तेल तो कचरा, तेल तो कचरा। ओके लगे चलो। कॉइन का है? कॉइन उदय भाई, कॉइन टॉस करना है? नहीं मेरे पास है, ला। विच लाओ लाओ। नहीं है, छोड़ना, मेरे पास है, ला। क्या है? टेल है। देखा टेल है, कचरा। हेड है उधर भाई, हेड है। ये इनको बताने की जरूरत थी। क्या बोला? किसिंग हो रहा है ना? ये हनी बाबा कुछ भी कर सकते, लेकिन राजकुमारी वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। अरे डैडी, खरबूजा जितना भी कड़क हो ना, चाकू पड़ते ही कट जाता है। हमको क्या है, खरबूजा जाने चाकू जाने, पर खरबूजे के मालिक जाने। चलो चल चल चल, आज केसेस कल मिसेस। थैंक गॉड निकल गया। I'll just be back in 2 minutes. ये क्या हो रहा है ये सब? ये हनी के नजदीक जाकर ये क्या चल रहा है तुम्हारा? अच्छा वो तो उनकी आंख से कचरा निकाल रहे थे। उसकी आंख से कचरा निकाल रही थी या हमारी आंख पे कचरा डाल रही थी? आप शक कर रहे हैं हम पे? अरे अरे मैंने अपनी आप हम पे शक कर रहे हैं? चांदनी आई एम सॉरी, थैंक यू बोलना भूल गया। थैंक यू, ये थैंक यू किस बात का है? ये थैंक यू किस बात का भाई साहब? किस बात? अरे थैंक यू इसलिए क्योंकि इसने मेरी आंख से कचरा निकाला। और तुम हेलो यार डैड, सुन लिया, देख लिया, हो गई तसल्ली? It's too much. Yet. शक्कर. शक्कर. शक. मैं समझा कर रहा था। सुनिए, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ आपका उदय, सुनिए, सुनिए। नहीं, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। कितना छिछोरा इंसान है, अनपढ़ गवार। शर्म आती है, ये मेरा दोस्त है, ये न्यूमन रास्कल। क्या हुआ? जो आदमी बात करने के लायक नहीं उसे क्या रिश्ता रखना। आज वक्त आ गया है समझाने का, मौका भी है, समझा दीजिए उसको। अरे क्या समझा दो लगा रखा है, क्या समझाऊं? तुम्हारी समझ में नहीं आता, कंचे खेलते बच्चों? समझा दो हट। क्या हुआ भाई? कुछ बच्चे कंचे कंचे हट हट हा? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया। रंजना, नाउ यू विल बिलीव मी कि मैं तुम्हारी पेंटिंग आंखें बंद करके भी बना सकता हूँ। चल मम्मी देख, कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा, बाप ऑलरेडी अंदर है, बेटे को अपन ने अंदर कर दिया है। चल वाह वाह वाह, क्या तस्वीर बनाई है। कमाल बन गई तुम्हारी तस्वीर। अच्छा हुआ ये सब मुझे शादी से पहले पता चल गया।
वरना मेरी लाइफ ही बर्बाद हो जाती। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जुनून और पेंटिंग चांदनी की। ये कैसे बन गई? ये अभी हुसैन साहब बना के गए। वो कब आए? अरे मजाक है यार, वांटेड का बेटा हो के मजाक भी नहीं समझता। अबे गर्दुले, तूने अपने अंदर इतनी ड्रग्स घुसेड ले ली है ना, अबे ये तूने ही बनाई है। आई हेट यू हनी, आई हेट यू। रंजना, 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 मेरी बात सुनो ना। रंजना, रंजना, लिसन टू मी, रंजना। यारे हनी छोड़ो से, ये लफड़ा गया है। तू राजकुमारी से प्यार करता है? व्हाट आर यू सेइंग ब्रो, मैं रंजना से प्यार करता हूँ दीवानों की तरह, पागल हूँ मैं उसके पीछे। तो राजकुमारी की तस्वीर कैसे बन गई? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू प्यार राजकुमारी से करता है और शादी रंजना से करना चाहता है? राजकुमारी से? लेकिन मैं तो सिर्फ एक बार मिला उसे। अरे रंजना से तो मिला ही नहीं था। ये सीनियर सिटीजन, ये अरे हाँ, ये अरे पेंटर बाबू। हाँ बोलो भाई। आंखें बंद करके किसी की पेंटिंग बनानी हो तो किसकी बनाओगे? अपुन तो उसी की पेंटिंग बनाएगा जिससे जिससे अपुन प्यार करता है। और तुम? मैं वही जो मजनू बोला भाई। इसके प्यार की? नहीं नहीं, मैं मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की बनाऊंगा ना। हाँ, तो तुम रंजना से प्यार नहीं करते हो, तुम उसे प्यार करते हो जिसकी तुमने आज पेंटिंग बनाई है। चल चल, तुझे बहुत सारी बातें समझा। देखो जब प्यार होता है ना, क्या पेंटिंग बनाई है इसे, पाड़ू है, तुम लोग देखोगे ना हैरान हो जाओगे। मजनू। हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब। अरे बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 47 का डायलॉग। पहले पूरी बात तो सुन। पूरी नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो। चल ठीक है, देख पेंटिंग चांदनी के है, हाथ हनी के हैं, लेकिन दिमाग अज्जू का है। और वो हमारे फूल पर नया भवरा बिठाना चाहता है। कल वांटेड की पार्टी है और उस पार्टी में जरूर कुछ ना कुछ गुल खिलाएगा। तो क्या बोलता है? बोलना क्या है? मतलब साफ है, पक्का, एकदम कैसे? वैसे जैसे माइकल को। नहीं नहीं नहीं, जैसे तेजा। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। चल ऐसा गला दबाना कि उसकी आत्मा समझ। मेरा नहीं उसका, उसका मर गया क्या? मर गया। तो आहिस्ता क्यों बोल रहा है? हाँ मर गया येड़ा, ला कोनी ला। ये ले। भरी है क्या? अब क्या बताऊं दे भाई, लगता जिम में पैदा हुआ था। टोपी कैसी? तू जा। थैंक यू भाई, आप जाकर लाश ठिकाने पे लगाओ, मैं घर पर खाना तैयार रखता हूँ। हाँ। टोपी अच्छी है। हाँ। तू वहां कहाँ जा रहा? अंदर अकेले? हाँ तू जानता है मैं तेरे काम में दखल अंदाजी नहीं। लेकिन आज करो,
आज करो, आप तो जानते हो मैं भूत से बहुत डरता हूँ। भूत तो एक संकल्पना है, आवास है, वहम है। वह कौन है? हवा पगले ये लाश इधर कैसे आ गई? हम ही तो लाए ना। लेकिन ये लाश उधर से इधर कैसे आ गई? हवा डर, तेरे अंदर का डर। डरो मत, मैं हूं ना। उठा उठा उठा, शाबाश। डरो मत, ये उदय शेट्टी खड़ा है तुम्हारे पीछे, डरो मत। ये भूत लोग शेट्टी श्रीवास्तव तो कुछ नहीं देखते, जिसकी गेम बजानी बजा डालते। जुन गया। ये दुबई इसलिए खोदना पड़ रहा, सारा इंडिया में तो खड्डे ही खड्डे, किसी भी सड़क में दफना देता। अज्जू को मैंने नहीं मारा, मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। अज्जू का खून कमीने मजनू ने किया है, वो अभी तक नहीं सुधरा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, अभी तक मेरी शादी भी नहीं कुंवारा हूँ। उदय नाम भी जानता है। उदय माचिस है। माचिस, तेरी माचिस की आंख। 25 पैसे की माचिस के चक्कर में करोड़ों की जान चली जाती। जहां से 100 रुपए की सिगरेट खरीदता है, वहां से 25 पैसे की माचिस नहीं खरीद सकता। तू जिंदा है? ये कोई जिंदगी है? वक्त बेवक्त यहां वहां भटकना, मरा हुआ ही समझो। फिलोसफी फिलोसफी खोपड़ी खोल दूंगा सल। मरे हुए को क्या मारोगे उदय भाई? मैं जाता हूँ। नहीं जाना नहीं, तू यहाँ खड़ा रहे। ये लाइटर है, लाइटर। आग उधर, ले सिगरेट जला ले। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे गुजरने के बाद हर कोई दिखाई नहीं देता, आप किसे देख रहे हो? मजनू। वो कब गुजरा? अरे हलकड़ गुजरा नहीं, हाँ तेरे जैसा थोड़ी देर पहले अंदर गुजरा। हाँ। ए, यहाँ दीवारें क्यों बांधते हैं? अंदर का कोई बाहर जा नहीं सकता, बाहर से कोई अंदर आना नहीं चाहता। वेस्ट ऑफ मनी, बकवास। ए बराबर खड़ा रहे। हाँ? कौन है बे तू? भाई दफना दिया। दफना था कैसे? क्यों, लाश कभी बाप बन जाती है कभी बेटा। क्या बकवास कर रहा है? चल आ जा, आ जा, जा। अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आ जा। भैया मच्छर कितने हैं? खुद खुद जल्दी जल्दी खुद। अब ये कब्रिस्तान में किसका खून चूस गया साला मच्छर? लगता है किसी किन्नर को दफनाया है यहाँ। ओके। उदय भाई, भागो। ए, 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 इसको दफनाते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। अरे यहाँ क्या कम प्रॉब्लम है? ए, 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 सुना गाना गा, गाना गा। गाना? हाँ, मेरी माँ कहती थी डर लगे तो गाना गाओ। अरे माँ क्या यहाँ लाश दफना नहीं आई? हाँ मेरे बाप की तो गाना 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 गा। Why this cola very tea? Why this cola very tea?
तू खुश क्यों हो रहा है इतना? ऐसे गाना याद है मुझे उदय भाई, भूतों से अंताक्षरी खेलने आया है खुद। ऐसे आता है ना गागा ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, नायक नहीं खलनायक है तू, जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू, तू 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 ता ता चले ता। अरे सब गाने मैं ही गाऊं, एक तो गाओ। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, तो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। ए ए इसे क्या ए ए ए ए ए, क्या बोलता तू, क्या हम बोले, सुन सुना आता क्या खंडाला, क्या करे आके हम खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे खून पिएंगे और क्या। Don't keep me waiting, we're not the Chikota foul. You gotta grab me or I will grab you straight. Maybe pass me chade, up na yo TV.
रास्ता नहीं है क्या? एक ही तो रास्ता है, सुसाइड। उस गली का काम है भाई। सुसाइड कौन कर रहा है इसे? तुम, और वो भी अपुन को साथ में लेकर। अरे आगे देखो ना। अरे यार अभी तक ढंग से जिया नहीं, तू मरने की बात कर रहा है। अभी तक छलनी के पीछे से किसी ने अपने को देखा तक नहीं है। तो फिर गाड़ी क्यों भगा रहे हो? अरे टेंशन 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 गाड़ी ये रुकती कैसे? ब्रेक की गाड़ी ले हो क्या? ब्रेक की नहीं बात कर रहा हूँ, टेंशन टेंशन कैसे रुकती है? जान देने जा रहे थे? मैं आप दोनों को खोकर उसको पाना नहीं चाहती। आप जहां कहे, जिससे कहे, मैं शादी कर लूंगी। हार गया अपुन, जीत कर भी हार गया। आज अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता तो ये जी नहीं पाती, और अपुन इसको मरते हुए देख नहीं सकता। मानता अपुन इसके लायक नहीं है, इसके लिए कोई अच्छा शरीफ लड़का देख लेना जो इसे खुश रख सके। चल रंजना, चलते अपन। शादी पे बुलाना। ए, शरीफ लड़का तो ढूंढ लेंगे इसके लिए, लेकिन तेरे जैसा गुंडा कहां मिलेगा जो हमारी बहन को सुखी रख सके? सात साल के बाद भी अपुन पूरी तरह चेंज नहीं हो सका, क्यों भाई? और क्या, इसके अंदर अभी भी गन लोड होती है, और अपुन अभी भी सोचता है कि अपुन का अलकायदा नहीं बना, और तू 7 हफ्ते में अखा चेंज हो गया। क्योंकि ऐसे हार के अजय जा सकता है, अज्जू नहीं। ये इतनी सी छुटकी हमारी खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर सकती है, इसकी खुशी के लिए तू अपने प्यार को कुर्बान कर सकता है, तो तुम दोनों की खुशी के लिए हम अपनी छोटी सी जिद को कुर्बान नहीं कर सकते? देख क्या रहे, चल भाग, चल चल। अरे यार उदय भाई, ये राइट डिसीजन अपुन हमेशा रॉन्ग टाइम पे क्यों लेते हैं? हाँ यार, सही टाइम पे अकल आ जाती तो हमारे आसमान को वीरान करके चांदनी हनी के आंगन को रोशन नहीं करती। इसी रोशनी का एहसास दिलाने के वास्ते अपुन ने जानबूझकर तुम लोगों को अंधेरे में डाला था। अब तुम लोगों की बत्ती जल गई है ना, तो हनी के आंगन में अंधेरा हो जाएगा। क्या मतलब? हनी से प्यार का झूठा ना रख, चांदनी ने अपुन के बोलने पर किया था। इतना हल्का ठहरे तू, लेकिन बहन की शादी रोकने के लिए वो अटैक का आइडिया था मेरे पास। लेकिन ये चांदनी की शादी कैसे रोकेंगे? वरी नॉट, वो आइडिया है अपुन के पास। वांटेड महारानी के साथ, हनी राजकुमारी के साथ, वो बाप बेटा, ये माँ बेटी, उनके बीच प्यार नहीं जंग होनी चाहिए। कितना हल्का तेरे तू? क्या बकवास है ये? अरे क्या बकवास अंकल, हनी अब रंजना से नहीं चांदनी से शादी करना चाहता है, और आप महारानी जी से, ऐसे तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। ये तो रिश्ता नहीं, कॉकटेल हो जाएगा। सॉरी अंकल, जिस उम्र में आपको हकीमों के साथ होना चाहिए उस उम्र में हसीनों के साथ, नॉट गुड। अबे और रायचंद, वांटेड भाई की उम्र कितनी भी हो, हफ्ते दो हफ्ते की गारंटी अपुन ले सकता है। इस लड़की का क्या भरोसा, कब लोढ़क जाए? हफ्ते दो हफ्ते, अरे ज्यादा बोल गया भाई, जरा इनकी हालत तो देखो। नहीं अच्छा लगेगा आपको अगले दिन अखबार में पढ़ोगे कि बीट सुहागरात में डॉन की थकान की वजह से मौत, लोग थू-थू करेंगे। अंकल दुनिया जानती है कि हमेशा बाप अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देता है। अरे इस गंजेड़ी के लिए काय की कुर्बानी, जो बाप से ज्यादा चिल्लम को मुंह लगाता है। अबे शट अप डैड, आप अपने बेटे की खुशियां छीन रहे हो एक की औरत के लिए। पता चला? अरे ये मत भूलो कि ये औरत तुम्हारी होने वाली माँ है। अरे ऐसी माँ की जरूरत नहीं है मुझे। अरे आज तक अपने फैसले के खिलाफ हम खुद नहीं गए, और तुम, अगर तुम हमारे बेटे ना होते तो हम तुम्हें गोली मार देते। और मैं तुम्हें इसलिए गोली मार रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बाप।
वांटेड भाई, वांटेड भाई, वांटेड। अरे क्या किया तूने? बरसों बाद इनके दिल के थिएटर में एक पुरानी फिल्म लगी थी, एक शो भी चलने नहीं दिया तूने। बाप पर अंधाधुनी फायरिंग कर दी फुदरी के। डैड, डैड प्लीज वेक अप, सॉरी आई एम सॉरी डैड, प्लीज फॉरगिव मी। अरे काय का फॉरगिव मी, पहले एक तो ठोक देता है, ऊपर से फॉरगिव मी कर रहा है। मालिक मराने की नौकरी छोड़ दे। अरे मरने के बाद हथियार पैरों पे रखना हमारे यहाँ का रिवाज है। मुखिया देख रहे हो कन्नीलो? मैं बोल ही लूंगा, यही क्या कर रहे हो? हथियार उठाना अपन के यहाँ का रिवाज है। अबे चिल्लर ज्यादा चिल्लाए ना तो खर्चा कर डालूंगा। पोजीशन ले लो। चिल्ला बात, मालिक बदल गया है लेकिन पगार चालू रहेगी। लादेन ने जितना अमेरिका के नाक में दम नहीं किया होगा उतना इसके बाप ने हमारे नाक में किया था। मजाक था भाई मजाक, ऐसे बोलता था जैसे हमने कभी चुटकुले सुने ही नहीं हो। लट्टू की तरह गर्दन घुमाता था। मेरे वांटेड भाई जैसे भी थे वो महापुरुष थे। मासूम को आप लोगों ने बहुत तंग किया है, संभालना। ए काय का मासूम, ये बुढ़ा बचपन में भी मासूम नहीं रहा होगा। ये क्या लगा रखा, कभी मासूम कभी महापुरुष। भाई मरने के बाद भी जिसकी बात होती रहे वो महापुरुष ही होता। मजाक था भाई मजाक। गोली चला, गोली चला, ठोक दे। क्या वो नकली है? मेड इन चाइना है। ओहो नकली है, मेरी भी नकली। ओके ओके ओके। बाकी के छोड़ो, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी थी। और हमारी? बहुत अच्छी। फिल्म बनाए? बन चुकी है। बन चुकी है? जब से तुम लोग हमारे आइलैंड पर आए हो हमारी और हमारे कैमरास की नजर तुम सब पे रही है। बेटे शो शुरू करो। ए, 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 भाई मरेगा तो बहन की शादी कैसे होगी? कम से कम 40 दिन तक तो टली जाएगी। अरे हम शक्ति हैं, सवा साल तक खुशियाँ नहीं मनाते और सवा साल में ऐसे 125 वांटेड भाई को इस दुनिया से अनवांटेड कर सकते हैं हम। अरे भाड़ में गया वांटेड भाई। आपके जूते बहुत अच्छे हैं वांटेड भाई। पढ़ेंगे पढ़ेंगे बेटे। क्या है ये? चल भाभी दे। नो कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा, बाप ऑलरेडी अंदर है, बेटे को अपने अंदर कर दिया है। चल। और उस डॉक्टर घुंगरू से तो मिलवाओ। मुझसे मिलने का टाइम सुबह 11 से लेकर दोपहर 3 बजे तक होता है, संडे को नहीं मिलता हूँ। ये तुम्हारा क्लिनिक नहीं हमारा आइलैंड है साले। ये कैसे बन गई? ये अभी हुसैन साहब बना के गए। वो कब आए? माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मजाक भी नहीं। और वो कहाँ है? महारानी ऑफ बल्लभगढ़, नचबगढ़। गाड़ देने को जी करता है तुम्हें। तब बहुत बड़ी पार्टी है, तुम्हारे जीते जी तुम्हारे सामने ताजमहल खड़ा कर देंगे। वो देर मजनू छोड़ो उनको, वो तो एक्सपायरी डेट से भी ऊपर निकल चुके हैं। जब पुलिस को पता चलेगा कि नजफगढ़ की राजकुमारी और उसकी माँ यहाँ छुप के बैठे हैं, तो क्या होगा बबीता? क्यों बनाम? पूनम, बबीता, हाँ भिंडी बाजार के परफ्यूम, गुंडों के लॉरेल एंड हार्डी, सब सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए तुम दोनों को क्या सजा दी जाए? सर सजाए मौत। ये बीच में बोलने वाले हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जब तक हम बोलें किसी की कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। किसको क्या सजा मिलेगी उसका फैसला हम करेंगे, क्योंकि यहाँ कानून भी हम हैं और अंधे भी हम। तो छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो
छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। चलो अली को तो वो लोग ले गए। तो बताया क्यों नहीं? बता देता तो आप गोली मार देते। वो तो हम अब भी मारेंगे। लेकिन जाएंगे कहां? एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ समंदर और तीसरी तरफ रेगिस्तान। अपुन ने सोचा जैसे तुम लोग सुधर गए अपुन सुधर गया, ये लोग भी सुधर जाएंगे ना। हाँ, गाड़ी बंगला तो खा लिया, अब कसम भी हमारी ही खाओगे। हमारे डर से हमसे दोस्ती नहीं करते और तुमने दुश्मनी कर ली। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बेटे को यहाँ ले आए तुम लोग सहरा में, अब तुम सब की कब्रें यहीं खुदेंगी। मार दो, आज ही खत्म कर दो, लेकिन ये उदय और मजनू को मार दो। ए? इनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी और मौत। अरे बीच में मत बोले। देखो भाई, मैं डॉन नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी बीच में बोलने वाले आदमी पसंद नहीं है। हनी बेटा मैं आऊँ? ये दोनों इतने मनहूस है बेटा, ये जिस मोहल्ले में कदम रख देते वहाँ किसी की शादी ही नहीं होती। हाँ, बैंड बाजा बंद, शहनाई का बजना बंद, डबल बेड का बिकना बंद। आपके पापा की शादी होने वाली थी। हुई? नहीं। आपकी हुई? नहीं, मेरी भी नहीं हुई। अपन की हुई? इसकी नहीं हुई। हमारी भी कहाँ हुई? ये दोनों राहु केतु है और वांटेड बॉय, इनकी वजह से मेरी और आपकी दुश्मनी हुई। आज मैं रिश्ता ही तोड़ देता हूँ यहाँ पे।
और मेरी और आपकी दुश्मनी भी खत्म खत्म हल्का हो गया ओके निकल ओके ओके अंकल चलो चलो भाई ट्रैफिक भी कम होगा चलो निकल पहले आने के बाद हमें बेवकूफ बनाया आप जाने से पहले बनाओगे जी लिखा है क्या यहाँ अब हम तुम्हारे साथ एक खेल खेलने वाले हैं गेम मौत का खेल भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें भागो शादी तो होने दो चलो उतरो कोई तो मदद करो अंधे बेबस लाचार डॉन की कोई मदद करो चप्पल कहाँ हमारी हीरे की अंगूठी कहाँ गिर गई हीरे की अंगूठी हाँ मैं ढूंढ कर देता हूँ मिली तो मेरी नहीं मिली तो तुम्हारी क्या हुआ हमारा चप्पल कहाँ है चप्पल चप्पल कहाँ है कोई तो हीरे की अंगूठी है ना मजाक 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 था हमारा चप्पल कहाँ है मेरी राइट पे चलो 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 लेके चलो मुझे वहाँ Yeah,
ना बच्चों। निशा ने एकदम पैरों के नजदीक हनी की तरफ भी बराबर देखा। इस अंधे का अंदाजा तो अपुन से भी बेटर होते जा रहा होते भाई। हनी, बेटे, तुम ठीक तो हो ना? आपकी आंखें इन आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? आज हमने जाना घुंघरू कि तेरा धक्का क्या है। लेकिन ये वांटू की लाइट कैसे ऑन हो गई? हाँ यार, यहाँ ऊँटों को पानी मिलना मुश्किल है, इसको आंखें मिल गई। रेगिस्तान में भी संतुषी माता का पावर सॉलिड है, है ना? अब हम औरतों को देख के आंख मार सकते हैं और मर्दों को देख के गोली। बाप की वजह से हमें आंखें मिली और बेटे की वजह से जिंदगी। तुम दोनों जा सकते हो। अरे अज्जू, तूने इसको क्यों बचाया? हम बचाने वाले थे। मतलब भाग दौड़ में ये पहले पहुंच गया, नहीं तो हम बचाने वाले थे। हम भी जाएंगे इनके साथ। हाँ, चलो जाएंगे। चलते चलो, हम भी जाएंगे। वांटेड भाई, ये मत भूलिए, ये आंखें आपकी हमारी वजह से आई। और क्या, देखो लॉजिक ये है, अगर हम आपके बेटे को किडनैप करके यहाँ नहीं लेके आते तो आप यहाँ नहीं आते, आप यहाँ नहीं आते तो आपकी आंखें नहीं आती, आंखें नहीं आती, है ना? अंकल, मानता है कि अपुन ने आपके साथ गेम खेला, चीट किया, लेकिन अपुन ने प्यार के वास्ते किया, वैसे ही जिन दोनों ने अपने बहन के प्यार के वास्ते किया। तुम सबको जो करना था तुम कर चुके, अब हम करेंगे 13 तारीख को रंजना के साथ हमारे बेटे की शादी। रंजना गई। लेकिन डैड, ये तो अजय को प्यार करती है। हाँ, तो हम अपने दूसरे बेटे अजय की ही बात कर रहे हैं। मजाक नहीं था भाई, मजाक नहीं था। इतने सारे ऊंटों का एक साथ आना तूफान की निशानी है। 10 मिनट हुए आंखें आई, इसको तूफान दिखने लगा। अब क्या हम लोग तूफान का वेलकम करने के लिए खड़े हैं क्या? सब लोग हाथ पकड़ो, भागो। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सिर्फ एक तूफान की कमी थी, शैतान ने पूरी कर दी। लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता पता दिया है। अरे भाग बजरो। अरे बचपन से भागे रहो, पहले स्कूल से भागा, भूख लगी तो रोटी चुरा कर भागा, भाई बना तो पुलिस से बचकर भागा, जहाँ बैठना था वहाँ भागा, जहाँ चलना था वहाँ भागा, जहाँ भागना था वहाँ कुत्ते की माफी भागी रहो। उदय भाई, अब उनकी अच्छी लाइन भागने में ही निकल गई। Tonight, I'll call you what you like. We'll make it such a night to remember all our lives. You let me call you baby, I'll really blow your mind. Oh boy, make your mind up, we're running out of time. साथ करूं, दिल का दीवाना तेरा, दिल को तेरे नाम करूं।
ऐसे लग तो सीने से मेरे आग निकलती, तुझे मुझे देखती ऐसे कुड़िया भी आजू बाजू बड़ा गलपती, जान मेरी सच्ची मैं कहता हूँ देखे बिना तुझे दारू भी नहीं जड़ती, देखे तू देखे जो मुझे ऐसे जो बेबी जाने कुछ जाने कुछ जाने दुनिया सड़ती।